तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल डीबीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे फंक्शंस की, माने कि किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। चलिए हम कुछ फॉर्मूले क्रिएट कर रहे हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शन को और ज्यादा करीबी से जान रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने एक दो एग्जाम्पल दिए थे लेकिन थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल था। अब थोड़ा सा छोटे छोटे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो सेल्स को अलग करना, मैंने यहाँ पे सुजीत और कुमार लिख रखा है, मुझे यहाँ से सुजीत को अलग करना है एंड कुमार को अलग करना है, सिंपल था। जिसके लिए हम एक्सेल में बात करें तो हम एक्सेल में लगाते हैं फॉर्मूला इस तरह से, फाइंड का फॉर्मूला यहाँ पे लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट में हम फाइंड का फॉर्मूला लेते हैं, फाइंड, और इसमें बोलते हैं स्पेस को फाइंड करो और इसको सिलेक्ट किया कॉमा वन एंड यहाँ पे हम माइनस वन दे देते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने सुजीत आ जाता है। अब इसी पार्ट को हम वीवीए में करेंगे। तो पहले डिक्लेरेशन, हमने फंक्शन के तीन पार्ट बताए थे, डिक्लेरेशन, कैलकुलेशन एंड असाइनमेंट। तो डिक्लेरेशन हमने लेफ्ट नेम एल अंडरस्कोर के नाम से बोला कि एम एज ए स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर लिया, मतलब अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एल अंडरस्कोर एन को, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ए वन की जो वैल्यू है वो हमारा एन पे असाइन हो जाए। तो यहाँ पे डिम आर एज ए इंटीजर और यहाँ पे आर इक्वल टू हम देंगे। अब क्या है कि जो फाइंड का फॉर्मूला था एक्सेल में, सर्च का फॉर्मूला था, वो वीवीए में सपोर्ट नहीं कर, लेकिन वीवीए के खुद से खुद के फॉर्मूले है वो है इन एस टी आर, क्योंकि फाइंड के जैसे स्टार काम करता है लेकिन थोड़ा सा उल्टा रिवर्स है। पहले देना होगा स्टार्ट नंबर, फिर देना होगा टेक्स्ट, तो हमारा टेक्स्ट क्या है, हमारा टेक्स्ट है एन, और फिर देना होगा क्या ढूंढना चाहते स्पेस। तो ये आपका एक्सेल के जो फाइंड है अपोजिट लगता है, उलट लगता है, तो इसकी स्पेस का लोकेशन आ गया। और यहाँ पे हेलो, गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट असाइन कर दिया, कैलकुलेशन और असाइनमेंट को मिक्स कर दिया। एक्चुअली में हमने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि हम यहाँ पे डिम स्ट्रिंग इस तरह से लेंगे और हम करेंगे कि एस इक्वल टू लेफ्ट, और इसमें हम लेंगे एन में से आर माइनस वन, और उसके बाद आप एन अंडरस्कोर एन इक्वल टू एस, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिलहाल छोड़िए डायरेक्ट रहने देते हैं। रिजल्ट हमने तीन फंक्शन को, तीन पार्ट को फंक्शन को लिखा, असाइनमेंट, कैलकुलेशन और रिजल्ट को, एक फाइनल रिजल्ट को किसी एक स्पेस वेरिएबल्स पे स्टोर किया और फिर इसको यहाँ पे आप असाइन किया। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने, ठीक है सर, हमने एल अंडरस्कोर एन एक नया फॉर्म बना। जाहिर जी समझ में आया? तो कॉस्ट अलग हो गया और मुझे लास्ट के लिए भी निकालना है फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूला को कॉपी करता हूं और यहाँ पे आर अंडर स्कोर एन कर देता हूं। अब यहाँ पे हम लेफ्ट की जगह पे फॉर्मूला लगाएंगे राइट का, आर आई जी एस टी राइट, और राइट में हमने बोला एन कॉमा, हमने बोला कि लेंथ की कंप्लीट लेंथ माइनस फाइव,
समझ में आया जाए जी, आज तेजेंद्र जी? जी सर, जी सर। आपको सर? जी सर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा राइट का फॉर्मूला वह काम करेगा, आर अंडरस्कोर हमने कर दिया वाई का। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, एक बार देख लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? यहाँ पे s माइनस कर दिया, जबकि यहाँ पे मुझे r माइनस करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन r पे स्टोर हो रही है ना। यहाँ पे r एक छोटी सी गलती हो गई, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब चलिए इसी एग्जांपल पे एक और हम काम करते हैं कि मेरे पास एक डेटा आता है जैसे कि सुजीत कुमार, साथ में मेल है या फीमेल है वो आता है, फिर एड्रेस आता है जैसे कि 101/7 पुष्प विहार न्यू दिल्ली, फिर मोबाइल नंबर आता है, फिर ईमेल आईडी। मुझे इसमें से वो इसमें से सिर्फ ईमेल आईडी को निकालना है। अब ईमेल आईडी में क्या होगा पता नहीं, इतना पता है कि वो सबसे लास्ट में होता है, मतलब कि सबसे लास्ट वाले स्पेस के बाद को ढाल। ठीक है, तो लास्ट वाले स्पेस को कैसे उठाएगा, लास्ट वाले स्पेस को कैसे उठाएगा? चलिए इसके लिए फंक्शन बना, फंक्शन ईमेल के नाम से बनाया एंड एज ए स्ट्रिंग। फिर यहां पे लगाया फॉर्मूला, यहां पे रखा हूं डिम R as a integer और सेम dim s as a string। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R equal to, हम बोलते हैं in str reverse। ठीक है, ये in str में find कितना ही काम करता है, बट find क्या करता है कि finding जो है ये शुरू से करता है ना, बट हमारा जो इन इसका रिवर्स है वो लास्ट से फाइनल से इसलिए रिवर्स नाम रखा गया है। इसमें हम बोलते हैं कि क्या क्या फाइन करना है, स्पेस, और किसमें करना है तो हमने बोल दिया करना है हमें एंड में। अब यहां पे हम राइट से निकालते हैं कि s इक्वल टू r i g h t राइट, और राइट में हमने बोला कि एन में से हमें इसकी जो कंप्लीट लेन है उस लेन में से हमें माइनस करने हैं आर, और फिर हम बोलते हैं कि ईमेल का रिजल्ट इक्वल टू हमारे पास एस। अब इसको हम यहां परफॉर्म करवा के देखते हैं। पूरा आ गया, तो मतलब कि इन एसटीआर रिवर्स काम ही नहीं किया। उल्टा तो नहीं होता, आर कॉमा एक एन था, उल्टा तो ही लगेगा।
उल्टा लगा दिया तुमने। हमें याद दे रहा था कि क्या ढूंढना है और किस में ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें भी आप नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कॉमा वन, इससे क्या होगा पता आपको? ये ढूंढना ही नहीं, वन स्टार्ट कर दे यहाँ। माइनस वन भी करने से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये माइनस वन की जगह क्या मान लीजिए माइनस 25 कर देता हूं तो क्या होगा? 25 है ऐड कर माइनस 10 माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, नहीं माइनस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, एक से ज्यादा ये ईमेल एड्रेस हो तो क्या लूप चलाना पड़ेगा सर इसके अंदर? एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस इसमें? इसमें नहीं नहीं, इसमें दो तीन दस ईमेल एड्रेस है सर। जैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं लेफ्ट राइट और मिड। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं लेफ्ट राइट और मिड, तो हमें अलग अलग फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नाम है सुजीत कुमार सिंह, तो मुझे इन तीनों का एक फंक्शन बनाना है, जैसे एक ही सिंगल एक वो फॉर्मूला। जैसे मैं एक क्लिक करूं तो तीनों उसमें कॉलम में वो आ जाना अलग अलग, इज इट पॉसिबल? आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि आप सुजीत कुमार और सिंह लिखा हुआ है जी सर, और लेफ्ट राइट मिड हम अलग अलग लगाते हैं ना? हाँ जी सर, हम लेफ्ट राइट मिड और अलग अलग यूज करते हैं अलग अलग कॉलम में। तो मैं अगर ऐसा फंक्शन बनाऊं कि फॉर एग्जांपल कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करूं लेफ्ट राइट मिड तीनों पे काम करे, हाँ कि मैं उसको सिर्फ सेलेक्ट करूं इंटर मारूं और तीनों की तीनों वैल्यू। क्या बोल रहे हैं समझा ले? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फॉर्मूला यूज करूँ, ठीक है सर, और मैं सिलेक्ट करूँ ए वन और जैसे सिलेक्ट करते बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शंस ESTR के नाम से बना दिया हमने, एम एज ए हम स्ट्रिंग कर देते हैं, लाउड स्पीकर फिर चालू कर दिया, और यहाँ पे हम देते हैं टी एज ए इंटीजर। तो इसमें होगा कि लगाएगा फॉर्मूला ई एच टी आर और मुझे इसमें से फर्स्ट चाहिए नेम, तो यहाँ पे वन नंबर, ठीक है okay. और फिर ई एच टी आर, अब यहाँ पे सेकेंड चाहिए तो सेकेंड दे देंगे और फिर यहाँ पे वापस ई एच टी आर, तो वो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है जी, तो यहाँ पे करते हैं डिम आर एज ए इंटीजर। अब यहाँ पे जरूरी नहीं आर इंटीजर देना, हम डायरेक्ट स्ट्रिंग दे देते हैं डिम एस एज ए स्ट्रिंग, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एस यहाँ पे कंडीशन होगा, देखिए कि इफ टी इक्वल टू वन देन
एस इक्वल टू लेफ्ट लेफ्ट में एन और यहां पे हो जाएगा इन एस टी आर ठीक है जी सर जी सर और यहाँ पे एन समझ गए जय जी जी सर अब यहाँ पे होगा कि इफ टी इक्वल टू टू अब जैसा इन रिक्वायरमेंट उस तरह की कंडीशन हमें लगा देते हैं ना इन एन तो हमने बोला कि इन एस टी आर स्टार्ट नंबर इन एस टी आर हमने बोला कि वन कॉमा एन कॉमा स्पेस पहले पोजीशन शुरू होगा प्लस वन से उसके बाद और लेंथ कितना लेना है तो हमने बोला कि इन एस टी आर रिवर्स कॉमा एन माइनस ए एन एस टी आर ये आपका मिड का फॉर्मूला हो गया और यहां पे एन फिर होगा कि इफ टी इक्वल टू थ्री देन अब यहां पे हम इसी को लेते हैं एस इक्वल टू आर आई जी एस टी राइट एन कॉमा ये जो हमारा एन एस टी आर आ रहा है ना इसी को लगाना है ठीक है इसी लेंथ लेंथ एन माइनस इन एस टी आर रिवर्स कॉमा और यहाँ पे एन और लास्ट में हम कर देंगे ई एक्स टी आर इक्वल टू इस तरह की च्वाइसेस आप दे सकते हैं ई एक्स टी आर ये पहला काम कर रहा है हमारा टी इक्वल टू टू दूसरा काम भी कर रहा है मतलब कि हमने इन यहां पे मेड प्लस इन एस्टी रिवर्स को उल्टा फिर लगा दिया मैंने उल्टा लगा दिया ना सर आपने भी बोला नहीं हमें एन और इसी स्पेस देना पहले करेक्टर उसके बाद और यहां भी हमें ऐसे ही करना ठीक है देखिए फॉर्मूला अलग अलग अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमने आपके सामने भी दो फॉर्मूले लैब का ये तो लेफ्ट राइट मिड ये फॉर्मूला तो आपको पता ही था क्योंकि एक्सेल का फॉर्मूला है सेम कॉल होगा ठीक है दूसरा हमने इन एच टी आर और आपका इन एच टी आर रिवर्स के बारे में बताया सर ये आई एन एच टी आर मतलब हमें हम यहाँ पे फाइंड और सर्च की जगह यूज एग्जाम्पल लास्ट
और लास्ट से रिवर्स काउंट करता है ओके ठीक है ना फाइंड की तो भी वर्क करता है अब इसी तो मैं बता रहा था कि इसकी पूरी लिस्ट अगर मिल जाए कि VBA में क्या क्या आपका इस्तेमाल होता है जी तो उसके लिए हमारे पास एक आर्टिकल है एक वेबसाइट है तो मेरा नहीं है लेकिन मैंने भी उसको पढ़ा था शुरुआती दौर में तो मुझे इस बार अच्छा समझ में आया था इस वेबसाइट में वीबीए फंक्शंस आपको एक मिनट के लिए बात है वीबीए फंक्शन लिस्ट कर देते हैं ठीक है ये फंक्शन कैटेगरी के हिसाब से है VBA का SCR CHR दिख रहा है आपको इन फंक्शन का आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिए तब आगे हम पढ़ेंगे ठीक है आप प्लीज कर लीजिएगा स्टडी अगर नहीं करेंगे स्टडी तो भी कल क्लास में नहीं दूंगा लिंक भेज दिए सर हाँ वो तो मैं भेजूंगा इसको करने के बाद फिर फंक्शन आपको और समझ जाए ओके मिलते हैं कल सेम टाइम और प्लीज लिंक पर मिल जाएगा ठीक है सर ठीक है।